नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सपने सुहाने NS Plus 24। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप सपने में सिक्के देखते हैं, मुद्रा के सिक्के देखते हैं, चांदी के सिक्के देखते हैं या फिर सोने के सिक्के देखते हैं, सपने में आप सिक्के उठाते हुए देखते हैं या फिर आपको कोई दे रहा होता है या आप ले रहे होते हैं, इन सब सपनों का अर्थ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सपने में सिक्के देखना आपके लिए कैसा सपना माना जाता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में सिक्के देखता है तो ये एक शुभ सपना माना जाता है। ये उसके जीवन में आर्थिक लाभ को दर्शाता है। आने वाले समय में उसे आर्थिक लाभ होगा, धन वृद्धि होगी। और यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी से सिक्के लेते हुए देखता है, कोई व्यक्ति उसे सिक्के दे रहा है, तो ये सपना भी बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को सफलता, सुख समृद्धि और आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता है। वहीं पर यदि आप सपने में किसी को सिक्के देते हुए देखते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं होता है। इसका अर्थ है कि आपको कोई परेशानी या फिर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, यदि आप सपने में सिक्के जमीन से उठाते हुए देखते हैं तो ये सपना संकेत करता है कि आपको कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपको कोई बीमारी लग सकती है, तो ये एक अशुभ सपना होता है। वहीं पर यदि आप सपने में 1 रुपए का सिक्का देखते हैं तो ये सपना आपको जीवन में मिलने वाली उन्नति, प्रगति और सफलता की ओर संकेत करता है। और दोस्तों, यदि आप सपने में सिक्के इकट्ठे करते हुए देखते हैं खुद को, तो ये सपना आपको आर्थिक तंगी का संकेत देता है। आपको आने वाले समय में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर दोस्तों, यदि आप सपने में सोने व चांदी के सिक्के देखते हैं तो ये सपना आपके जीवन में होने वाले धन लाभ को, आर्थिक स्थिति मजबूत होने की ओर संकेत करता है। और यदि आप सपने में जमीन से सिक्के खोद कर निकालते हुए देखते हैं तो ये सपना भी एक शुभ संकेत देता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको अचानक से धन का लाभ होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आप सबको मिलती रहे और आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों।